हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास सिक्स के लेसन सिक्स हु आई एम को डिस्कस करेंगे। इस लेसन में हम देखेंगे कि किस तरह हम सब सेम हैं और किस तरह हम सब डिफरेंट हैं। हम सब अपने आप में इंटरेस्टिंग हैं अलग अलग वेज़ में, और हम सब किसी ना किसी चीज़ में बहुत अच्छे हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किसको क्या पसंद है। सबसे पहले हम राधा के बारे में डिस्कशन करेंगे। राधा को पेड़ पर चढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके घर के बाहर एक मैंगो ट्री होता है जिसकी ब्रांचेस पर चढ़ना उसे बहुत पसंद है। एक दिन उसकी मदर कहती है कि ये सेंसिबल नहीं है लड़कियों का पेड़ पर चढ़ना, पर वो अपनी मदर को कन्विंस करती है। और एक दिन उसकी मदर भी उसके साथ उस पेड़ पर चढ़ती है और वो लोग ऊपर चढ़कर रॉ मैंगोस खाते हैं। जब भी राधा पेड़ पर चढ़ती है और सबसे ऊपर जाकर बैठ जाती है, तब उसे ऐसा लगता है कि वो इस पूरी दुनिया को रूल कर सकती है। तो ये थी स्टोरी राधा के बारे में। अब हम बात करेंगे नासिर की। नासिर बोलता है कि जब मैं बड़ा होगा तो मैं सीड कलेक्टर बनूंगा, क्योंकि उसके फादर की कॉटन फील्ड है और वो हर साल बहुत सारे पैसे स्पेंड करते हैं सीड्स खरीदने में। उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि उनके समय पे उन्हें हर साल सीड्स को खरीदना नहीं पड़ता था। वो अपने ही प्लांट्स के सीड्स को प्रिजर्व करके रखते थे अगले साल के लिए, पर अभी इन दिनों ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो नासिर चाहता है कि वो फाइंड आउट करें कि किस तरह हम सीड्स को प्रिजर्व कर सकें और हमें हर साल पैसे ना स्पेंड करना पड़े। ये थी स्टोरी नासिर के बारे में। अब हम रोहित के बारे में बात करेंगे। रोहित कहता है, यदि मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं बहुत ज़्यादा घूमता। उसे घूमना बहुत पसंद रहता है। उसकी अपनी एक लिस्ट है कि मैं इतनी सारी चीज़ों को घूमना चाहता हूँ। वो न्यूजीलैंड के माउंटेन्स को देखना चाहता है क्योंकि वो मैगजीन में बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद वो अमेजॉन रिवर को देखना चाहता है साउथ अमेरिका की, और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं। बीचेस ऑफ लक्षद्वीप, कोनार्क टेम्पल इन उड़ीसा, पिरामिड्स इन इजिप्ट, ये सारी चीज़ें उसकी लिस्ट में है कि मुझे ये सारी चीज़ें देखना है। बट उसे नेचर ज़्यादा पसंद है ओल्ड बिल्डिंग्स है। तो ये थी स्टोरी रोहित के बारे में। अब हम सरबजीत के बारे में बात करेंगे। सरबजीत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब लोग उसकी बातों पर बिलीव नहीं करते, जब लोगों को लगता है वो झूठ बोल रहा है बल्कि वो सच बोल रहा है। जब भी वो अपने टीचर्स को बोलता है कि मैं अपना होमवर्क इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि रवि मेरी नोटबुक लेके चला गया था और उसने मुझे वापस नहीं दी, या वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मैंने लड़ाई स्टार्ट नहीं की बल्कि मेरे छोटे भाई ने लड़ाई स्टार्ट की है, या जब उसके मार्क्स कम आते हैं और वो टीचर्स को कहता है कि मैंने सच में पढ़ाई की थी बट मेरे मार्क्स कम आए, तो सबको लगता है कि वो झूठ बोल रहा है पर वो झूठ नहीं बोलता है। तो ये सब चीज़ों से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कभी कभी वो अपने गुस्से को छुपाने के लिए वो अपने शूज़ की तरफ देखकर 10 तक काउंट करता है ताकि लोगों को पता न चले कि उसे गुस्सा आ रहा है। बट उसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है जब लोग उसे झूठा समझते हैं। तो ये थी स्टोरी सरबजीत की। अब हम डोलमा के बारे में बात करेंगे। डोलमा कहती है कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, और लोग हंसते हैं जब भी वो ये बात उसे शेयर करती है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है, पर उसे पूरा विश्वास है कि वो एक दिन प्राइम मिनिस्टर ज़रूर बनेगी। जब भी उसी क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है या टीचर को कुछ काम देना होता है तो वो सब लोग डोलमा के पास ही आते हैं। वो चाहती है कि वो सबकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अच्छी बना दे। वो चाहती है कि हमारे इंडिया में अच्छे हॉस्पिटल्स हो, रोड हो, स्कूल हो, और वो चाहती है कि बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो और सारी बीमारियों का क्योर फटाफट निकल जाए। वो चाहती है कि इतने अच्छे साइंटिस्ट हो जो स्पेसशिप को मार्स पर भेजें। इस प्रकार वो ओवरऑल डेवलपमेंट हमारे देश का चाहती है, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है। अब हम पीटर के बारे में बात करेंगे। पीटर को महीने का सेकेंड संडे बहुत पसंद होता है क्योंकि वह उस दिन अपनी पूरी फैमिली के साथ सिनेमा हॉल जाता है। उसके बाद पापा एडवांस में ही टिकट बुक करा कर रखते हैं और वह अपने ग्रैंड मदर, पेरेंट्स और उसके दोनों भाई और वो सब लोग मूवी देखने चाहते हैं। उसके बाद उसके पापा जब इंटरवल आता है तो वहाँ पे पीनट्स लेकर आते हैं जो उसे बहुत पसंद होते हैं। उसे डार्कनेस में बैठकर मूवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद वो लोग आते टाइम आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। सब लोग बहुत ही अच्छे मूड में रहते हैं। सब लोगों को बहुत ज़्यादा लकी फील होता है कि इतना अच्छा परिवार है हमारा और हम सब लोग इतने अच्छे से इंजॉय करते हैं। तो ये थी स्टोरी पीटर के बारे में।